want to take this opportunity to thank the team that made this possible. लेकिन इससे ज़्यादा adverse circumstances मैंने देखी नहीं है, और जिस तरीके से दिन में 16 घंटे 15 घंटे पूरी यूनिट काम करती थी, आई वॉन्ट टू थैंक दैम. इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, मैं इस फिल्म के सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी से आपको मिलाना चाहता हूँ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम गुरमीत सिंह. एक साल डेढ़ साल पहले की बात है जब मैं पहली बार अनुभव सर से मिला था. बहुत सारी कहानियाँ थी, कुछ स्क्रिप्ट थी जो मैं उनको मिलता रहता था, सुनाता रहता था. एक दिन फाइनली मैंने पूछा कि वॉट आर यू लुकिंग फॉर, तो ही सेड आई वॉन्ट अ फिल्म जिसको देखने के लिए मेरा मन करे थिएटर जाने के लिए. मैंने कहा कि आई हैव एन आइडिया बट बहुत फार फेच्ड है, बहुत मुश्किल है. तो उन्होंने बोला क्या है, मैंने बोला पूरी फिल्म पानी में. उस दिन वो एक दिन था एंड आई थिंक टुडे इज द डे कि वो रोलर कोस्टर अब रुका ही नहीं. बीच में एक और दिन था, मैं रात को सोते सोते मुझे सोते मतलब ऑलमोस्ट सोते आते मुझे आइडिया आया कि क्या ये पिक्चर 3D में बनाए. तो थैंकफुली लंदन हमसे 6 घंटा पीछे रहता है, तो मैंने किशोर लुल्ला साहब को फ़ोन किया, तो वो ऑफिस में ही थे उस समय. तो मैंने कहा किशोर भाई 3D में बनाए, तो उधर ऐसा कुछ 3 मिनट का पॉज आया एंड ही सेड बट यू आर राइट, ये पिक्चर 3D में बहुत कमाल लगेगी, बना 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 3D में बनाते हैं. तो उसके 1.5 मिनट बाद मैंने गुरमीत सिंह को फ़ोन किया, गुरमीत सिंह सो चुके थे. मैंने कहा गुरु 3D में बनाए, तो बोला क्या बात कर रहे हो सर. मैंने कहा हाँ यार 3D में बनाते हैं. एंड देन इट हैज़ बीन वन हेल ऑफ अ राइड. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग 42 दिन के 13 घंटे समंदर के पानी में रहते थे, और ट्रस्ट मी ये आसान काम नहीं है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द एक्टर्स ऑफ वार्निंग. ये पिक्चर एक्चुअली लॉजिस्टिकली स्पीकिंग ये नए लोगों की पिक्चर है,
इसमें आप देखेंगे फिल्म तो इसमें स्टार्स को कास्ट नहीं कर सकते, बट ये वजह नहीं थी, वजह ये थी कि मुझे बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ, एक बहुत कमाल की एनर्जी होती है पूरी टीम में। ये एक सर्वाइवल फिल्म है, सो इट्स अबाउट 7 पीपल बीइंग स्टक इन अ क्राइसिस एंड स्ट्रगलिंग टू स्टे अलाइव, सो दैट इज द जॉनर ऑफ द फिल्म, दैट्स द थीम ऑफ द फिल्म। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। आप लोगों का मैं यहाँ पर आना बहुत लंबे समय तक याद रखूंगा, थैंक यू। Oh, I think this was awesome. I think the experience last yesterday we had like the rehearsal everything, but today again we got so nervous, but so again we had a rehearsal. But yes, before just entering the stage, I had like goosebumps, and it was exciting, thrilling, and adventurous also. I think because the promo is so awesome, I love it. I'm sure the audience will also love it. So yes. Yes, I'm excited about it. ये फिल्म इतनी डिफिकल्ट थी शूट करने के लिए फॉर एवरी वन एंड ऑब्वियसली द डायरेक्टर, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि गुरमीत हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर और एनी थिंग, ही वॉज अ मोस्ट सेंटली पीसफुल मैन एंड ही हैड अ विजन ऑफ हाउ ही वॉन्टेड एवरी थिंग, सो ही हैड नॉट अ सिंगल डाउट इन हिज हेड कि उसको क्या चाहिए, ही न्यू वॉट ही वॉन्टेड। ऑन द फिल्म वी वर एक्चुअली ट्रेन्ड लाइक कमांडोज, जो आर्मी कमांडोज जो कि बाहर जा रहे हैं, और वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ वॉर फार अवे लैंड फिजी, 6 लोग 7 लोग पानी के बीच में इन द मिडल ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन, एंड यू नो इन वाटर देयर इज वाटर ऑल अराउंड, द कैमरा मूवमेंट्स ऑल्सो काइंड ऑफ गेट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज फ्रॉम ऑल द साइड्स यू गेटिंग द सेम व्यू, सो आर DOP मिस्टर फ्रांस पैगर, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, द वे ही कैप्चर्ड एवरी शॉट, द वे ही डेल्ट विद द सिचुएशन एंड सीइंग दैट वाटर स्पेस, द यॉट एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल इट वॉज अ लाइफ, it was once in a lifetime kind of an experience for us. humne movie shoot ki hai lekin personally hum sab ke liye, hum saathon ke liye, hamari puri crew jo 64 members crew members the hamare, hum sab ke liye bahut bahut thrilling experience aur yaadgar moment rahega hamare liye. a small film like Morning is very fortunate that it has Eros as a studio, as a distribution house backing it, because Eros is one studio that will take Warning to where it should be. humne ek film banayi jo hame jiski kahani achhi lagti thi, us kahani ne jo kuch manga wo humne sab kiya, और उसका एक टुकड़ा आज हमने आपको दिखाया, और आपके मुंह से सुनना पसंद करूंगा कि ये चीज़ें थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। स्ट्रॉन्ग स्टोरी विद फैबुलस परफॉर्मेंसेज, ग्रेट लुकिंग पीपल, ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स एंड अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड साउंड, गो एंड वॉच Warning, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड।